वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि वर्क डन जिस तरह से हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास वर्क जो होता है यानी कि काम हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं वर्क को W से डिनोट करूं तो हमारे पास F डॉट D जो है यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वर्क कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है यानी कि किसी डायरेक्शन में जो बॉडी मूव की है हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के, कांस्टेंट फोर्स यानी कि वो फोर्स जिसकी वैल्यू जो है वो एक मतलब के पॉइंट पे फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है और वो मैं एक ब्लॉक पे लगा रही हूँ उसको मूव कराने के लिए, तो ये फोर्स जो है ये मतलब के जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी सर्टन टाइम्स में, यानी कि अगर मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में नोट कर रही हूँ तो मैं उसकी वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन ही रख रही हूँ, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट तो मूव कर रही है बॉडी आगे, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रही है वो एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि 10 न्यूटन की है। ठीक, अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि हमने डिस्कस करने हैं, कि जिस तरह से अगर ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स जिसमें क्या दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है जो कि पोजीशन ए पे पड़ा हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो करने जा रही हूँ यानी कि पोजीशन ए पे पड़ा है और ये उसकी पोजीशन है जो कि फाइनल पोजीशन बी है। ठीक है, इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी वो हमारे पास क्या है, डी डिस्टेंस है, यानी कि डी जो है वो इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। और जो इसके अब हमने फोर्स लगाई है वो एफ फोर्स लगाई है और एफ फोर्स जो है वो किसी एंगल पे उस पर लगी है, यानी कि एंगल अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, अब अगर हम रिजॉल्व करें फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में जो कि हम कहते हैं कि इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और उसका ये लॉ है कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिससे राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास एक ये कंपोनेंट बनता है फोर्स का और एक ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट ये एफ कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा और ये हमारा कंपोनेंट जो है वो एफ साइन ऑफ थीटा कहलाएगा। ठीक, यानी कि ये दो कंपोनेंट्स में ये हमारा जो फोर्स का मतलब कि फोर्स जो है वो रिजॉल्व होगी दो कंपोनेंट्स में, एफ कॉज ऑफ थीटा एफ साइन ऑफ थीटा। अब वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स को अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वर्क डन हम किसी बॉडी पे अगर कोई वर्क डन कर रहे हैं बाय अ कांस्टेंट फोर्स तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है एक तो डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट का यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, और दूसरा ये कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो कंपोनेंट फोर्स का जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, यानी कि अगर हम देखें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकले, एक ये कंपोनेंट है जो कि इसकी डायरेक्शन ये है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट ये है जिसकी डायरेक्शन ये है, तो अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है हमारे पास, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारे पास सेम है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा का जो कंपोनेंट है फोर्स का वो हमारे पास मतलब कि पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के। तो इस वजह से हमने वर्क को किस तरह से डिफाइन किया है कि हमारे पास वर्क जो होता है वो क्या होता है, एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा, और इसमें जो एफ कॉज ऑफ थीटा है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। ठीक, और ये जो एंगल थीटा है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली एंगल होता है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो एफ कॉज ऑफ थीटा है ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ बना के दिखाती हूँ, ये जो बात की है मैंने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल थीटा हम कह सकते हैं, वो इस तरह से कह सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा और डी जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो इसकी जगह मैं यहाँ डी भी कर सकती हूँ और यहाँ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास थीटा है। ठीक, अब अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो जिस तरह से बहुत जो अगर हम वर्क की बात करें स्टूडेंट्स यानी कि काम, तो अगर हम जनरली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हमने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया, लेकिन फिजिक्स में जो वर्क की मीनिंग है यानी कि उसके जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, यानी कि हर केसेस में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई वर्क परफॉर्म किया है। जिस तरह से अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये मैं आपको शो करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स के हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें दो केसेस दिखाए गए हैं। अगर आप पहले केस को कंसिडर करें कि हमारे पास फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन ये जो ब्लॉक हमने रखा है यानी कि ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट्स
ये ब्लॉक इतना हैवी है कि आप इसको मूव नहीं कर पा रहे, यानी कि बहुत हैवी वेट का ब्लॉक है जिसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, जो कि आपके पास नहीं है इतनी फोर्स कि आप उसको मूव करा सके। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन हमारे पास जीरो होगा। अब क्यों जीरो होगा, इसलिए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, तो इस वजह से वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ मैंने जब उसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास वर्क की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब सेकेंड केस अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो इस, हमने एक ब्लॉक लिया उसको हमने अपने शोल्डर पे रख के जो है हम उसको मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आगे की तरफ मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो बॉडी जो है मतलब कि हम मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, और ये जो हमने लिफ्ट किया यानी कि हमने फोर्स किया है, फोर्स लगाई है इन द अपवर डायरेक्शन टू लिफ्ट दैट ब्लॉक, ठीक, और मोशन हम जो है वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमारा जो एंगल बन रहा है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है, 90 का बन रहा है एंगल, तो इस केस में भी हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने जाती हूँ कि हमारे पास जिस तरह से हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़ा है कि हमारे पास वर्क डन जो है किस तरह से जीरो निकला, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एफ डी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब अगर हम कॉज ऑफ थीटा को देखें तो कॉज जो है अगर उसकी वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल था वो हमारे पास 90 का था, तो मैंने कॉज ऑफ जब 90 डिग्री पुट किया तो मैंने कॉज ऑफ 90 की जब वैल्यू देखी स्टूडेंट्स, तो वो मेरे पास क्या वैल्यू आई, जीरो वैल्यू आई, जिससे मुझे ये पता चला कि यहाँ जो है वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमने कोई काम किया, लेकिन फिजिक्स की टर्म में आपने कोई काम नहीं किया और आपका जो वर्क डन है वो जीरो आया। ठीक, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं यहाँ एक ब्लॉक बनाने जा रही हूँ और ब्लॉक जो है उसको मैं मतलब कि मूव करा रही हूँ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मैं फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि मैं डिस्प्लेस करा रही हूँ इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो जीरो का है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो एंगल है वो जीरो है, और अगर मैं वर्क डन की वैल्यू इस केस में निकालना चाहूँगी तो मेरे पास क्या होगी, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और जब कॉज की वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो कॉज ऑफ जीरो जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ जीरो हमारे पास वन होता है। ठीक है, कॉज ऑफ जीरो हमारे पास क्या होता है, वन होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो वर्क डन निकलेगा यानी कि एफ डी इंटू वन, और हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन जो है वो इस केस में आ जाएगा यानी कि एफ इंटू डी, यानी कि वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि इस केस में जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल होंगी यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। अब एक और केस हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से अगर मेरे पास इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, जिस तरह से इस कार के केस में आपको नजर आ रहा है कि मैंने एक छोटी सी कार शो की है जिसमें हम लोग कार की जो मोशन है वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वो मूव कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट लग रही है यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट जो कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही होगी, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, और हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि उसको जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे, वो फोर्स है जो हम एक्सटर्नली उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब आप इस फोर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, मतलब कि कोई भी फोर्स हो सकती है वो। ठीक, ये मतलब कि इस चीज़ को हमने डिस्कस नहीं करना है कि कौन सी फोर्स है, लेकिन हमने ये फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाली है, लेकिन ये फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसकी मोशन को रोक पाए, इस वजह से जो कार है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जा रही है। तो इस केस में अगर हम वर्क थीटा की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ इसके वैक्टर्स, यानी कि ये हमारे पास फोर्स का वैक्टर बन गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन गया, तो इनके दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, और वर्क की वैल्यू अगर मैं इस केस में कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डी इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, कॉज में अगर उसकी वैल्यू देखें तो वो माइनस वन होता है। ठीक, तो जिससे मुझे पता चलता है कि वर्क जो है वो माइनस एफ इंटू डी बन गया, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स ये शो कर रहा है कि यहाँ नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया गया है। ठीक, और ये जो है ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आपने सुना होगा कि फिजिक्स में ये वर्ड बोला जाता है कि नेगेटिव वर्क जो है वो क्या होता है, तो नेगेटिव वर्क वो होता है जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। ठीक,
अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स जो है क्योंकि हम न्यूटन में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने होती है मीटर में, तो इसका जो कि हमारे पास न्यूटन मीटर बनता है जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जाउल के बराबर होता है। और 1 जाउल ऑफ वर्क जो है वो कब बॉडी परफॉर्म करेगी, जब हम उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट जो है वो परफॉर्म करेगी, यानी कि 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल किया होगा। तो इससे हम कहेंगे कि उसके पास उसने जो वर्क किया है वो 1 जाउल का किया है। फिर एक और आखिरी बात ये है कि स्टूडेंट्स की ये जो वर्क है हमारे पास ये एक स्केलर क्वान्टिटी है, यानी कि स्केलर क्वान्टिटी का क्या मतलब है कि ऐसी क्वान्टिटी जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें जो है वो डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड। तो ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। यानी कि आप वर्क जो है उसको आप कहेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल 10 जाउल ऑफ वर्क परफॉर्म किया है, तो उसके लिए आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपने किस डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसलिए ये हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब इस जो पूरी हमारी जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको समराइज करूँ एक आखिरी पॉइंट्स में कुछ, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसको समराइज कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो यही वाली बात होगी स्केलर क्वांटिटी है। फिर दूसरी बात अगर हम देखें कि हमारे पास अगर थीटा यानी कि जो एंगल बिटवीन द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास अगर 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है। एक ये बात हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री का क्या मतलब है कि 90 से ज़्यादा की वैल्यूज आ जाएँ, तो उस सारे केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, ठीक। यानी कि हमारे पास जिस तरह से हमने यहाँ देखा था हमारे पास एंगल जो है वो 180 डिग्री है और 180 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर हमारे पास 90 से ज़्यादा हो गया तो हमारे पास क्या होगा वर्क डन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, यानी कि लेस देन 90 हो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा वर्क डन हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा उस केस में, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक। और फिर उसके बाद जो है इसके यूनिट्स जिस तरह से हमने डिस्कस किए कि हमारे पास न्यूटन मीटर या फिर जाउल्स होते हैं। और अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें स्टूडेंट्स, यानी कि ग्राफ अगर हम कांस्टेंट, क्योंकि हमने कांस्टेंट फोर्स की बात किया थ्रू आउट, तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ यहाँ, यानी कि ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरे पास फोर्स है, तो अगर फोर्स की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रह रही है, यानी कि जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, तो 10 न्यूटन पे उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है और वो आगे आगे जा रही है बॉडी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास एक जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है कांस्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ है। और जो एरिया अंडर द कर्व होगा, यानी कि इस लाइन के अंदर अंदर जो एरिया आएगा वो हमारे हमें क्या बताएगा, हमें वर्क बताएगा, यानी कि वो हमें क्या किसकी वैल्यू देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। क्योंकि क्यों हमें वर्क डन की वैल्यू देगा कि अगर हम यहाँ देखें कि इसके अंदर फोर्सेस की जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह हम वर्क डन ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक कम्प्लीट डिस्कशन ऑफ वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स।